तो खूब सारे हो बे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बैठो। मैं कह रहा था तुम लोग तो बहुत सारे आ गए हो। हाँ, कब आए? अच्छा, मतलब मैं ही लेट आया। और क्या चल? सब सही? तबे तबे? हाँ, जुकाम है जल्दी? ऐसा ऐसा भी नहीं है, टेररिस्ट आते जिंदा बंद चल रहा है हमारे बीच में। ऐसे ही हो गया होगा, थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी रहा हुआ। हाँ हाँ, वो थोड़ी है जो तुम लोग सोच रहे हो यार। ऐसी बात करो, घबरा रहे। ऑनलाइन ऑनलाइन भी कुछ बच्चे हैं क्या? हेलो, यस यस सर, यस सर, यस सर। इधर से अलग है, इधर से अलग है, दोनों सेम सेम ही। इधर इधर वाले बच्चे अलग, इधर वाले। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तुम लोगों को भी गुड इवनिंग बोलो ना। लाइक हूं यादव आज तो आ गई थी। तुम खाना नहीं खाया पक्का? यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही है, चिल्लाते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपन हवा में उड़ जाएंगे? ऐसा तो फील नहीं है थोड़ा इस बार? कम ऑन, एक बार और। थोड़ी, थोड़ी। अरे रुको यार, अरे रुको भाई, सबर करो थोड़ा। गुड इवनिंग एवरीवन। अब रोना नहीं, काम तो नहीं है ना कुछ। देखो आज चालू करने वाले, अच्छा डिटरमिनेंट हो गया है तुम लोग? भूल गए? मतलब ये याद है कि हुआ है या नहीं हुआ है? भाई साहब, मतलब ये भी भूल गया। तो आज शुरू करने वाले मैट्रिक्स, क्या शुरू करने वाले हैं? मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स। तुम गलत सलत पढ़ लोगे, दिक्कत आएगी बाद में, बता रहा हूँ अभी। स्पेलिंग वही है, मैट्रिक्स वाली स्पेलिंग ही है, बट हम लोग इसको मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या 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 आता है मन में? मैट्रिक्स समथिंग मूवी का नाम? हम क्या जानते सर, हम तो गाँव से आए हैं, हमारा काम पता है कि सर मैट्रिक्स नाम मूवी और है। हम बर्थडे पहली बार सुन रहे हैं। सुने हो? कहाँ से हो? खड़े जाओ, क्या नाम है? ऋषिकेश। अरे अरे अरे, क्या पावन नाम रखती है। पहले क्या है? मैथ का एक चैप्टर है, और उसके बारे में और क्या जानकारी है आपको मैथ के चैप्टर के बारे में? बस इतना ही जानते। ये तो सर कोई भी गेस करके बता सकता है ना कि मैं मास्टर आया है और तो मैट्रिक्स लिखा है, तो मैथ का चैप्टर होगा सर, एसएसटी का तो होगा नहीं है। पहले सुने ही नहीं हो? कितना शरीफ आदमी है यार। हाँ, नाइस टू मीट यू। आज के जमाने ऐसा आदमी नहीं देखा। कहाँ थे तुम अभी तक? म्यूजियम में तो यही थे शुरू से। मैं कल सुबह आया था यानी बेटा। हाँ भाई बताओ, थोड़ा सा पजल टाइप का थोड़ा सा। किससे? रिटायरमेंट से मिलता है उसका भाई, बड़ा भाई। और भाई कैसा है? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट।
बट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जैसे ये भी एक अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा है? तो जैसे हम इतने वाले पोर्शन को पकड़ लेते हैं, नहीं बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक अरेंजमेंट है जिसमें आप देख सकते हो कि ये रोज है, रो नहीं रहे हैं, रोज आर ओ डब्ल्यू एस, अरे पीरियोडिक टेबल जिंदाबाद भुला गए, आती है पीरियोडिक टेबल कैसे गजब ही बात कर रहा है यार, एक्सेप्शनल बात कर रहा है, पीरियोडिक टेबल आता है इसको, इसके चरण काट के ले जाओ। तो जैसे ये रोज और ये क्या है कॉलम्स, अभी तो आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि ये स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट है, राइट? चार बटा चार का, चार रोज चार कॉलम, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो होगा वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही होगा, सॉरी स्क्वायर अरेंजमेंट ही होगा, इट कैन बी रेक्टेंगुलर। तो उसमें हम किसको सजा के रखते हैं? दो चार सोच रहे होंगे, डोली नहीं, नंबर्स, इसको सजा के रखते हैं नंबर्स को, ठीक है ना? तो ये एम एन नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो इज इट एनी वे सिमिलर विद डिटर्मिनेंट? नो, कहीं से भी डिटर्मिनेंट के जैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू, एवरी वन डज नॉट हैव वैल्यू, ठीक है ना? बट डिटर्मिनेंट हैज मैट्रिक्स, डज मैट्रिक्स हैव वैल्यू? मैट्रिक्स इज सिंपली अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट के अलावा और कुछ नहीं है, समझ में आएगा? हो सकता है नंबर अरेंज किए गए, हो सकता है एक्सप्रेशन अरेंज किए गए, कोई भी चीज का अरेंजमेंट हो सकता है उसमें, राइट? तो यानी कि अपन को कुल मिला के समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट से डिफरेंट है। हाँ, डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस ऐसी सिंगल लाइंस, दो सिंगल लाइन के बीच में होता है, दो लाइंस के बीच में होता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखता है, नहीं? लेकिन ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है ना? ये क्या है? अरेंज, समझ में आएगा? तो हम मैट्रिक्स के बारे में क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे? अंग्रेजी में, इंग्लिश, इंग्लिश काफी हार्ड है, पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, तो लिखिएगा मैट्रिक्स के बारे में, इट इज, इट इज रेक्टेंगुलर It is rectangular arrangement of mn numbers. It is rectangular arrangement of mn numbers. It is rectangular arrangement of mn numbers, mn numbers enclosed by a pair of brackets. Enclosed by a pair of brackets. It is rectangular arrangement of mn numbers and by a pair of brackets. ठीक है, जैसे जनरली मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग बड़े अल्फाबेट्स का चयन करते हैं। बड़ा अल्फाबेट मतलब कैपिटल लेटर्स, ए बी सी बड़े हो गया कभी, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज सम मैट्रिक्स ए। और मान लो कि हम mn numbers को क्या कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट में दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग क्या है, इस तरीके के लाइन से डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि इधर थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, 5 लीटर का पोस्ट लगा के इसको टेढ़ा कर देते हैं ऐसा, और इधर ऐसा, बस 5 लीटर का, ज्यादा नहीं, और ऐसे इधर भी। तो दिख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट सा नोटेशन है, सेम नहीं है, सही है क्या? अभी हम लोग बोलेंगे कि जैसे फर्स्ट रो A11, A12, A13 ऐसे लिखते रहे, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, A1 है, फिर A21, A22, A23 एंड सो ऑन टिल A2n, ठीक है? और ऐसे हम लोग बोलेंगे क्या कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कहां तक, AM1, AM2 और AMN, सही? तो डिटर्मिनेंट में आपको पता था कि ओपन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, इसमें कोई ओपन ओपन नहीं होता, इससे सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है, समझ में आएगा?
तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, राइट। तो इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मत सोचना कि सर क्या ये डिटरमिनेंट का मॉड है, नहीं, क्या ये कैपेसिटर वेपेसिटर तो नहीं बना दिया, नहीं, ठीक है ना। मतलब ये जो कि लिखा है A11 A12, ठीक है ना, बट ये जनरली यूज में नहीं आता, यूज में जनरली ये आता है पर एक और आता है ऐसे वाला। समझ में आ रही की बात, तो इसमें भी वैसे ही लिख सकते हैं। फिर से मैं लिख कर इस बोर्ड को गंदा नहीं करना चाहता, ठीक है, आप कॉपी गंदा कर लेना, देखो कैसे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिख के छोड़। These are all different ways जिसमें हम represent कर सकते। अब जैसे लिख रहे हैं कि इतना सारा लिखने में एनर्जी खूब जाती है, समझ में आ गया, रिफिल भी आता है, मम्मी पापा के गुस्सा होता है कि क्या डेली डेली रिफिल खर्चा करके आ जाता है, पढ़ता उड़ता उड़ता है नंबर आते नहीं तेरे। तो इसको शॉर्ट वे में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलोगे सर कैसे, तो आंसर इज ऐसे, लाइक दिस, ए और ऐसे ए आई जे, और इसके नीचे ऐसे लिख देता है m into n, क्या लिख देता है m into n, ठीक है ना। तो ये क्या डिनोट करेगा, ऑर्डर, क्या डिनोट करेगा, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब m into n, ऑर्डर मतलब m into n, m into n मतलब ऑर्डर, वेरी गुड, क्या बात बोले, m into n मतलब m रोज n कॉलम्स, नहीं m रोज n कॉलम्स, रोज वो वाला नहीं है गुलाब लिख मत आ जाना, ना कैसे से कर रहे थे, हाँ पहले ले m रोज और n कॉलम्स, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, 1 से m तक, ठीक है ना, हाँ उधर देख देख के बोलना। और n की वैल्यू, हाँ तो हम लोग समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कि m रोज हो गया, कि m रोज n कॉलम्स, ठीक है, ये सब नोटेशन। देखो नया चैप्टर है तो सबसे पहले तो इसके साथ आपकी मुलाकात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता ही नहीं होगा। अब मैं इसे लिखना चालू कर दूं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दूं, क्या चल गया रहा है भाई, नहीं तो अभी हम लोग को ना जान पहचान बढ़ानी है तो अब उनको उसके बारे में सब चीजें बतलानी पड़ेगी। तो बिल्कुल SST की क्लास की तरह सब डेफिनेशन 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 चलेगा, समझ में आया, हाँ लिखते जाना बस सोते सोते, और ऑनलाइन वाले तो एकदम लेट जाएगा, मास्टर मास्टर देख नहीं रहा तो पता तो है नहीं, सो गए लगता तो, चलो हेलो, नहीं सोए सर, आवाज आ रही है क्या, यस यस, बोर्ड साफ साफ दिख रहा है, यस यस सर, साफ साफ दिख रहा है, सर लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है उसके, अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है, मेरा बोर्ड साफ साफ दिख रहा है, लिखना बर्बाद हो गया है। चलिए मेरे ख्याल से सबने छाप दिया होगा, मतलब लिख लिया होगा, राइट। अच्छा बहुत बार क्या होता है ना कि ऐसे लिख कर एक डिफाइन कर दिया जाता है, तो बोलोगे क्या डिफाइन कर दिया जाता है, मैट्रिक्स को, तो बोलोगे कैसे, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज ए आई जे 3 to 2, तीन रोज दो कॉलम, राइट। अब इसके बाद ऐसे डिफाइन कर देगा, बोलेगा वेयर ए आई जे इक्वल टू, समझ आ रहा है, आई माइनस जे अपॉन टू कम ऑन, फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई, नहीं वही दुख दर्द जो फंक्शन के टाइम में चालू हुआ था फिर से चालू हो गया, दर्द हुआ होगा ना उसमें, नहीं हुआ था थोड़ा थोड़ा, अच्छा तो ऐसे डिफाइन कर देगा कि दिस इज द रूल बाई विच ए आई जे इज डिफाइन। अब जैसे ये 3/2 दिख गया मेरे को, 3/2 दिख गया था, मैं कितने रोज सोचूंगा, तीन और दो कॉलम सोचूंगा, ठीक है। तो यहाँ वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, A11, यहाँ वाले एलिमेंट का नाम होगा A11। तो जब A11 निकालूंगा तो ये सोचूंगा, और 1 - 1 कैलकुलेटर 0 और 0.2 कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इसके बाद ये अगला वाला आएगा, इधर लिखता हूँ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 लिखोगे तो माइनस हाफ, नहीं बेटा मॉड लगा हुआ है, चमगादड़ की वजह से मत देखो, खुद की आंखों से देखो। अच्छा A21
साफ हाफ, फिर ए टू टू जीरो, ए थ्री वन टफ है यार, देखो सीरियसली इट इज टफ, मतलब ऐसे मतलब मजाक मत लेना ठीक है ना, दिक्कत आ सकती है। ए थ्री टू, हाँ देख के बोलो ज्यादा बढ़िया है, समझ में आए, ये मैट्रिक ऐसे डिफाइन हो गया ठीक है। तो कभी ऐसा लिखा हुआ देखे तो घबराने वाली बात नहीं है, अपन लिख सकते हैं मैट्रिक्स ठीक है। ठीक है, अब स्पेशल स्पेशल टाइप की चीजें कुछ ज्यादा हैं, समझ में आ गया, तो अभी लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा, फिर आगे लिखना पड़ेगा, फिर लिखते रहना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो लिखिए सम, सम स्पेशल स्पेशल, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला लिखेंगे अपन रो मैट्रिक्स, रो लिख रहे हो, रो नहीं लिख रहा, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, एक ही रो होगा, कितने रो होंगे, एक ही रो। तो अब बोलोगे सर उसकी शक्ल दिखाओ, तो जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए लिखा मैंने लाइक दिस, कॉलम्स हाँ कितने भी हो सकते हैं ठीक है ना, मतलब चार भी हो सकते हैं, साढ़े पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ठीक है ना। जैसे ये मैंने क्या लिखा है, रो मैट्रिक्स ठीक है, तो लिखना अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब इसे इस तरह का अगर मान लो कोई लिख देता है कि देयर इज अ रो वेक्टर, ऐसा करके लिखते हैं मान लो, आगे चल के हम लोग अभी वेक्टर वेक्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद ठीक है ना, तो ऐसे लिख देगा ए वेक्टर इक्वल टू दिस। अब अपन को लगेगा यार तो रो मैट्रिक्स लिख दिया कैसे होगा, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं आईटी सोच रहा था ये पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, तो घबराने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है ना। इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री जे कैप, ऑर्डर में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ऑर्डर में बोलेंगे नहीं क्या, इसको रो वेक्टर भी बोल सकते हैं, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री जे कैप, वैसे देख के घबराना नहीं है, रोटेशन है सर ठीक है ना। तो लिख लेना दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज, कोल्ड मतलब ठंडा लग रहा है इसलिए बुक निकल गया, कोल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज रो, सॉरी कहेगा हाँ दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज ठीक है। अब ऑफ कोर्स रो मैट्रिक्स हो गया, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल दूसरा है ठीक है, अपन लिख लेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हाँ मतलब मेरे ख्याल से तो मतलब बिजली बचाने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल तुम लोग लगेगी सीधा काम है, उन्होंने दे रखा है ग्रेट वर्क। हाँ अब ठीक लग रहा था, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। फिर से वैसे ही कुछ एग्जांपल बना देना कॉलम बना के ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल, और कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऐसे लिख दिया लाइक दिस, तो फिर से वैसे ही सोचेंगे आई कैप, जे कैप, सी के कैप, ठीक है। हो गया, तो नेक्स्ट बोलूं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बोलोगे ये क्या है सर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? तो फील आ गया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है, डेफिनेशन आ जाएगा बाद में, बट फील आ गया होगा ना कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होने में क्या होना चाहिए? M less than N, कॉलम ज्यादा होना चाहिए, रो ज्यादा होना चाहिए, कॉलम ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कॉलम ज्यादा होगा तभी तो ऐसे फैलेगा ना ये। लेकिन जैसे कि मान लो कि अपन ने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, तो यही तो हॉरिजॉन्टल की फील है। इसके लिए क्या होना चाहिए? कॉलम ज्यादा होना चाहिए, यानी कि n जो है वो m से क्या होगा, बड़ा। तो लिखना अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इनटू n, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इनटू n, a matrix of order m into n is said to be, a matrix of order, khatam ho gaya kya, hello, ha, a matrix of order m into is said to be, is said to be, kya likha, horizontal matrix, is said to be horizontal matrix if n is greater than n, if n is greater than m, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, लिख लिया, अगला लिखेंगे फिर वही वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मिला, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी वर्टिकल, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी वर्टिकल, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी वर्टिकल इफ नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज इज क्या लिखोगे, ग्रेटर देन बॉटम, नहीं कॉलम, if number of rows is greater than the number of columns, if number of rows is greater than the number of column, aur wo dekhne mein kaisa lagega, vertical matlab aisa kuch, right, to ye ho gaya aapka kya, वर्टिकल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट लिखिएगा जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स सुनते ही मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, नहीं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। लिखना अब एक ऑफ ऑर्डर m इंटू n, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज सेट टू बी नल, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज सेट टू बी नल इफ ऑल इट्स एलिमेंट, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज सेट टू बी नल इफ ऑल इट्स एलिमेंट इज जीरो। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ओ देख लो ध्यान से, नहीं, और ऐसे मान लो लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 2, यानी कि 3 rows 2 columns, 3 rows 2 columns,
और ये सब ऐसा हो, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये नंबर जीरो नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो उस चीज का अपन को ध्यान रखना है जब हम इक्वेशंस वगैरह आगे डील करेंगे तो उसमें भी दिमाग में रखना पड़ता है। तो लिख लियो, आगे बढ़े। तो हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया, तो अब बचा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बोलोगे आप ये क्या, बहुत क्लियर, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देखना। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, if number of rows equal to number of columns, ठीक है। अब जैसे मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज 2x2 का एक ले लेते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, 3x3 का ले लेते हैं, जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 There is A31, A32 and A33. ऐसा नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें से AIJ एंड AJI, किसकी किसी बात हो रही है, AIJ एंड AJI, इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, तो AIJ AJI आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एलिमेंट, जैसे A21 A12 दे आर कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। ये सब नाम इसलिए बताया जाता है कि ऐसा ना हो कि सवाल में कहीं कॉन्जुगेट एलिमेंट लिख कर तुम बोलते हैं इंग्लिश नहीं, अपन को पता होना चाहिए क्या किसको कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है। एक और टर्म यूज होता है ट्रेस, क्या यूज होता है ट्रेस, और ये किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी किसके लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट, भी किसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगुलर सोचोगे तो जरूरी नहीं कि AIJ का एज एग्जिस्ट भी करे। जैसे 3x2 का मैट्रिक्स ले लो, 3x2 का मैट्रिक्स ले लो, तीन रोज आएंगे, दो कॉलम आएंगे, तो जैसे मैं बोलूंगा A31 उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया न्यूज नहीं, तो यानी कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ये भी किसके साथ है, स्क्वायर के साथ है, ठीक है। और अभी जो मैं एक टर्म और यूज कर रहा हूँ क्या ट्रेस, वो भी किसके साथ है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। अब बोलोगे ट्रेस है क्या सर, इंग्लिश सुन के तो अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं सिंपल है, इनका सम, इनका सम डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है। जैसे आपको कोई पूछे ट्रेस ऑफ सममेंस मैट्रिक्स बताओ, A11 A22 A33 टफ है, कैलकुलेटर लगा तो लिख लेना, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सम ऑफ, इज सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इज सम ऑफ ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम इस केस में डिफाइन करें, जैसे इस मैट्रिक्स को मैं ए कह रहा हूं, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33। अब एक चीज और, जैसे आप हो सकता दिमाग में कि सर डायगोनल एलिमेंट तो मुझे दो डायगोनल देखो, मतलब हो सकता है बच्चों को लगे भी है सर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो A11 है A22 है इन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, नहीं इन्हीं को क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, हाँ। और जिस लाइन के अलोंग ये लाई कर रहे हैं, जिस लाइन के अलोंग ये एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल,
ने प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपने लिखे होगा ट्रेस ऑफ ए, आगे एक पॉइंट लिख लेना A11, A22 टिल ANN, A11, A22, ANN are called as diagonal elements, called as diagonal elements, and the line along which they lie, is called as principal or leading diagonal, and the line along which they lie is called as principal or leading diagonal, ठीक है। तो इसको हम principal diagonal, leading diagonal ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली पूरे मैट्रिक्स में इस डायगोनल, ये भी एक तरह का डायगोनल ही है, हम लोग ज्योमेट्री से वाकिफ है, ठीक है। तो हम इधर को भी इधर को सबको डायगोनल बोलते हैं। ये जब भी डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। अगर वैसे तो कभी बात होगी नहीं इस डायगोनल की, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा लगता है सेकेंडरी डायगोनल कहीं लिख देता है, ठीक है ना। जब सेकेंडरी डायगोनल बोले तो हम इसके बारे में सोचें, बट इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन इसमें होता नहीं है, ठीक है। फिर भी कभी कुछ ऐसी चीज पूछ दे कि हाँ भाई व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द सेकेंडरी डायगोनल, जबरदस्ती का, ठीक है ना। तो फिर हमको पता होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल है तो तुक्का मारेंगे एक और डायगोनल, ये सेकेंडरी हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में और थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन नहीं है जो हम अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर में भी कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जिनका नाम जानना जरूरी है। अगर उसका नाम नहीं पता है तो क्वेश्चन में वर्ड यूज हो रहा है, अपन को पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब बिल्कुल जैपनीज टाइप का नहीं लगे सब कुछ, तो इसलिए उसका नाम जान लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोलोगे स्क्वायर में ट्रायंगल, हाँ स्क्वायर में ट्रायंगल आएगा। ताले बोले कि एक क्या होता है इसमें, एक क्लासिफिकेशन नहीं है, फिर से बोल दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स या तो ये होता है या तो ये होता है, नहीं ऐसा नहीं बोलना। मैं बोला स्क्वायर मैट्रिक्स तो वही होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके नाम जानना जरूरी है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर। इसमें भी दो है क्या, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, लिख लेना ट्रायंगुलर, स्पेलिंग भूल गया इसलिए छोड़ दिया। अब अपर ट्रायंगुलर क्या हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से पहली चीज सही, तो एक आपको दिख रहा होगा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि इसके ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, अपर होना चाहिए। अरे इसके नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं दे शुड बी मैंडेटरी जीरो। अब आधे लोग लग रहे थे ऊपर ही बस मैट्रिक्स देगा, अरे नहीं रे, मैट्रिक्स तो पूरा रहेगा। अभी लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे घबराओ मत, या पहले घबरा लो पहले उसका लिखूंगा, लेकिन प्रैक्टिस ही तो होना चाहिए, घबरा के ठीक कैसे होते हैं। चलो तो हम लोगों ने क्या कि जैसे ये A11, A22 और A33 है, राइट, और इधर मान लो A21, A31 और A32 है,
इसके नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैंडेटरी जीरो होना पड़ेगा। मैंडेटरी जीरो मतलब कि सिर्फ ये ही जीरो होंगे, नहीं मतलब ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ हो जाए तो भी हमको कोई टेंशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं आपको फील होना चाहिए कि इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, इसमें से भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले तो पक्का ही जीरो। समझ में आएगा? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यानी अपर ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि अगर हम m into n का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं m into n का, तो a i j, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, ये चीज समझ में आ रही है। इसके लिए जैसे देखो a टू वन, कहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं? इधर नीचे बोल रहे हैं। यस सर, मतलब बोलना क्या चाह रहा है भाई? सही तो है, हाँ ठीक है, सही है, अपडेट आ गया, जो बग था वो फिक्स कर दिया। इसमें क्या होता रहता है ना, अपडेट होता रहता है, अपडेट हो गया। अच्छा तो a i j इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि ये 2 1 होगा, ये 2 1, ठीक है ना, तो वो 0, ये 3 1, ये 3 2, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना प्रिंसिपल डायगोनल के, आप सब पे बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है ना, आंख बंद करके, आंख खोल के आप हमेशा देखो क्या होगा, i इज ग्रेटर देन j, ठीक है ना। तो a i j इक्वल्स 0 किसके लिए? फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, और इसमें से हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते इनके ऊपर, ठीक है ना। तो लिख लेना इसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, अपने हिसाब से लिख लेना, छोटा सा इंग्लिश है यार। और ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में भी लिख लेना, लोअर ट्रायंगुलर में सेम लिख लोगे ना, सेम लिख लोगे। अरे यार, हाँ i लेस देन j, यस सर, डरा दो टीचर को, डरा डरा के मार लो। हो गया? अच्छा, तो मेरे ख्याल से स्क्वायर मेट में बहुत सारे हो सकते हैं। ट्रायंगुलर किसको कहेंगे ये, और अपर ट्रायंगुलर किसको कहेंगे ये, और लोअर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सब क्या होंगे? जीरो। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में ये भी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे अगर कभी कोई लिखता है ए मैट्रिक्स इज लाइक दिस डायगोनल, या डी आई ए लिखते, डी आई ए जी लिखते, या डायगोनल पूरा लिखते और ऐसे लिखते, ऐसे, तो डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बोलोगे क्या है? आंसर इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी होंगे वो मैंडेटरी जीरो होंगे, मैंडेटरी जीरो होंगे मतलब इनमें से भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो देखने में कैसा लगेगा? मैट्रिक्स जैसा, जैसे इस तरीके से। और बाकियों की बात करें, जीरो, तो आप चाहो तो लिख लो ए आई जी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे,
ठीक है देख लेंगे, कुछ पूछना हो तो बंदे फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऐसे देख। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक चीज और होती है, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर सुना होगा, नाम तो सुना होगा। स्केलर मैट्रिक्स में बोलोगे क्या हो गया, ये सब बराबर हो जाते हैं, और उसी में अगर बराबर टू वन हो जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी, उसको भी स्केलर बोल सकते हैं, बट उसका एक और नाम आ गया स्केलर मैट्रिक्स का एक और नाम आ गया। कब? जब सबके सब किसके बराबर होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी। स्केलर बोलेंगे तो भी चलेगा और डायगोनल बोलेंगे तो भी चलेगा, बट उसका एक नया नाम है, स्पेशल नाम, ठीक है ना। देख के यार तुम सब जो वन ए आर वन सब दिखा, तो कौन बोलेंगे हाँ बढ़िया तो लिखना। If all the diagonal elements in a diagonal matrix, in a diagonal matrix, in a diagonal matrix, if all the diagonal elements are equal, in a diagonal matrix, if all the, in a diagonal matrix, if all the diagonal elements are equal, all the diagonal elements are equal, then it is called as scalar matrix. Then it is called as scalar matrix, and if then it is called as scalar matrix, and if they are equal to one, and if equal to one, and if they are equal to one, then it is called as unit or identity matrix, and if they are equal to one, and if they are equal to one, then it is called as unit or identity matrix. तो सिंपल डेफिनेशन के ख्याल से कहीं कोई इशू नहीं। अभी क्या होता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कोरिस्पोंडिंग, ठीक है ना, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कोरिस्पोंडिंग हम उसका एक डिटरमिनेंट डिफाइन करते हैं, कोरिस्पोंडिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स We can define a determinant. इन जिसमें कि जो एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे मैट्रिक्स ए, समझ लो। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कोई वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स ए का कोई वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स ए सिंपली अरेंजमेंट, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो ले लिखी इसको, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो मेरे से कोई कुछ इसका डिटरमिनेंट डिफाइन करना था, नहीं क्या डिफाइन करना है, डिटरमिनेंट। ताले लेके जो डिटरमिनेंट होगा इसका, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वेरी गुड, नहीं हम जो उसका डिटरमिनेंट होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी ए, ठीक है। बाकी पूरा पढ़ो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आप डेट ए डेट ए करते रहो, देख लो अपना, तो डेट ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, समझ में आएगा। इसको कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आधा से ज्यादा जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉडल से, समझ में आएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉडल से, अरे बिंदास पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अब पढ़ने में क्या दिक्कत है, लगीरा वैसे, लेकिन हम समझदार भी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉडल ऑफ ए। अब बोलोगे उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, हाँ गड़बड़ हो सकता है और होगा, आप पढ़ सकते, भगवान करे हो तभी पता चलेगा तुम्हें कि सर की बोली हुई बात का क्या मतलब होता है। होता क्या है, जब आप इसका डिटरमिनेंट डिफाइन करोगे, वो सब आप सब सेम करते हो, बोलते हो मॉडल से, ठीक है, काम वही सब करते हो, होता नहीं है कि नाम कोई भी चल रहा है, काम अपना चल रहा है, तो करते वही सब हो कि ऐसे लिख दिया सेम ऑर्डर में और निकाल लिए, बस लास्ट में क्या होता है कि कभी इसकी वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई, ठीक है, ध्यान से ना, बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, ठीक है ना। कभी मान लो गलती से इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, नहीं तो मॉडल्स में एक चीज तो सीखा ही था हमने कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कर देना, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आओ, पांचवी क्लास का वो कॉन्सेप्ट आज भी याद है, रग रग में मौजूद है, देखकर आई टी का अपन ने
सफर में भी देखा था कि ये वाला चीज अच्छे से निकाल देता हूँ, नहीं? और किस बेसिस पे लिया था भाई? यही तो था ना कि यार बोर्ड मास अच्छा लगा लेता हूँ, मैं आईटीएन बनूंगा, ऐसे ही तो सोचा था, और कैसे सोचा था? गलती से निगेटिव आ जाए तो उधर से आता है, नहीं? अच्छा अच्छा मॉड है ना, पॉजिटिव। और कभी ऐसी सिचुएशन में आता है ना कि आपको दोबारा चेक करने का टाइम नहीं होगा, वहां आपको भगना होगा वहां से आगे, तो फिर क्या अभी घर पे बैठ के कर रहे हो? आंसर देखा, ओहो हो मॉड बोल रहा था, इसके लिए गड़बड़ हुआ है, सर ने बोला था बट मैं यही करूंगा, खतरों के खिलाड़ी नहीं। और फिर एग्जामिनेशन से, और यार बस हो गया यार, नेगेटिव का पॉजिटिव क्या हो गया, सिली मिस्टेक। नहीं ये तो होता, अरे पापा हमको नहीं पता है क्या, कैसी बात कर रहे हो, इसे तो ऐसे ही हवा निकाल ले, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आईटी जा रहा है पापा, आप चिंता मत करो एनआईटी पहुंचेंगे। अच्छा देख रहे, तो इसको मॉड पढ़ना जरूरी है? नहीं, अरे पूछ रहा हूँ भाई, चलो बोल ही नहीं, बात हो एनआईटी आईटी के बारे में बात आ जाती है तो सीरियस डिस्कशन हो जाता है, इसलिए तो अभी मिल रहा है, पढ़ाई करना है भी पहले। हाँ मॉड बोलना जरूरी है ऑनलाइन में, तो जरूरी है? नहीं, नो सर, ऑनलाइन में नहीं है। अच्छा तो लोगों सब दिखाई दिखाई दे रहा है? यस सर, पूरा दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आवाज आवाज दे रही है? यस सर। और समझ में भी आ रहा है? यस सर। तो मेरे ख्याल से इसको अपन कभी भी मॉड्यूलर से नहीं पढ़ेंगे, समझ में आएगा? हमेशा क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट होगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? डेटे डे 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 पढ़ेंगे। छोटे बोलो सब, कभी नहीं पढ़ोगे तुम लोग, सभी शक्ल लिख के पता चलता है। चल हाँ, इसमें एक लाइन लिख लो, करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स ए, करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, corresponding to every square matrix A, we can define its determinant, we can define its determinant by, we can define its determinant by writing elements of, We can define determinant by writing. आँख खराब है क्या मेरा? हाँ एक गंदा राइटिंग। By defining लिखा ना? Too much यार। By writing, good handwriting, by writing elements of matrix A, कभी सही लिखा क्या? By writing elements of matrix A in the same order. ठीक है, एक बार पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना, हैंडराइटिंग तो पढ़ी नहीं जा रही है। हां करस्पोंडिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वी कैन डिफाइन इट डिटरमिनेंट बाय राइटिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इन द सेम। इंग्लिश है यार, फटाफट पढ़ दिया है, क्या बात है। ठीक है, लिख लिया मेरे ख्याल सामने। अच्छा मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमने डिटरमिनेंट डिफाइन किया, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाए। नहीं, डिटरमिनेंट के साथ सीन है ना कि उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। अबे मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो नहीं बोल रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका डिटरमिनेंट है उसकी जीरो आ सकती है ना। तो अगर जीरो आ जाए
तो उस तरह के मैट्रिक्स को जिसका डिटरमिनेंट क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या गई, जीरो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं, सिंगुलर। और डिटरमिनेंट नॉन जीरो रह जाए, ताली बजाओ। इसने एकदम बाहर आंसर दिया, आंसर इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है। हाँ तो लिखना, और मैट्रिक्स ए पे बच्चे का माइक खुला हुआ है, वो चिल्ला रहा है, बंद कर लो यार। किसका माइक खुला भाई, आवाज ऐसे कुत्ते से आ रही थी, जिधर चिल्ला रहा हुआ। किसका माइक खुला हुआ है, सबने बंद कर लिया, बंद करके बोल रहे। क्या लिख रहे थे, फॉर मैट्रिक्स ए इफ इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, if its determinant value is zero, then it is called as singular matrix. Singular, S-I-N-G, sing, U, blood, singular matrix, and determinant is non-zero. Then non singular matrix, plural, and if determinant is non zero, then it is non singular matrix, then it is called as non singular matrix. ठीक है जी, आगे बढ़े, हदस गया तुमने, लिख लिया, थक गए ऐसा लग रहा है। नहीं, केमिस्ट्री में इतना पढ़ाते, इतना लिखाते, तो वहां पे नहीं जा रहा सर, मजा आ रहा है। मैथ्स में मैथ्स लग नहीं रहा है, पहले सीखोगे उसके बाद मैथ्स लगेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी सुने नहीं होगी कभी हालांकि, बट इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी बेटा, इक्वालिटी। गरीब लोग आ गए हैं सारा, समझ ही नहीं आ रहा है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, लो मैं लिख देता हूँ, लो घबराहट हो रही तो लिख लिया भाई, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को बरोबर बराबर कब कहेंगे, दो मैट्रिक्स को बराबर कब कहेंगे, तो जब वो बराबर होंगे तभी तो सही, सिंपल डेफिनेशन होता है ना, फालतू को कॉम्प्लेक्स कर देंगे। अभी मैं क्या बोलूंगा, इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर इक्वल होने के लिए इसका ए आई जे बी आई जे सेम होना, कितना टफ कर दिया। सिंपल क्या था, इक्वल होंगे जब इक्वल होंगे, कौन सा लिखवाओ, सिंपल 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 वाला लिखवा दो, कठिन वाला ठीक है जैसा तुम। अच्छा, टू मैट्रिसेस ए Aij and B Bij, two matrices A Aij and B Bij are said to be equal if pehla hai, both are of same order, पहले है बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर कभी हो ना तो उसको हम सेम टाइप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेम टाइप, ठीक है ना। तो दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और टाइप बोलते हैं ना, अपन दोनों सेम टाइप के हैं, सब कहीं ना कहीं बतलाना चाह रहे हैं एक जैसे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ग्रेविटी चेक कर रहे थे रूम में बैठ के, गिर रहा कि नहीं गिर रहा ना, दिखा दिखा ना, ऐसे चेक कर रहे हैं ऐसे, ग्रेविटी है कि
प्योर रोलिंग था क्या? अच्छा सेकंड क्या था? सेकंड पॉइंट लिखवा रहा था। हाँ सेकंड पॉइंट लिखवा रहा था, वेरी गुड। ए आई जे इक्वल टू वी आई जे फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे मतलब आपको देख के समझ में आ गया हो ना कि दोनों मैट्रिक्स कैसा हुआ? हु बहु घबरा गया क्या बेटा? अचानक चौंक गया ये। टाइट सभी नहीं देख लिया ले क्या कि दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे? हु बहु खुश हो गया लड़का तो हम लोग लेंगे कि दोनों मेरे को सेम टू सेम दिखेंगे, सही है क्या? लेकिन सेम टू सेम दिखाने के लिए थोड़ी देंगे सवाल, ये सब तो इक्वेशन में यूज हो रहा होगा कि एक तरफ एक मैट्रिक्स रख दिया, दूसरे तरफ दूसरा मैट्रिक्स रख दिया और इक्वल टू है बीच में, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो मेरे ख्याल से इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बिल्कुल फेयर है। कोई पूछे कि सर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा? तो भाई अरेंजमेंट तो क्या बड़ा छोटा होगा? अरे ऑर्डर पे मतलब अरेंजमेंट है ना, तो काहे का बड़ा अरेंजमेंट छोटा अरेंजमेंट? ग्रेटर देन लेस देन कुछ डिफाइन नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना ये। दिस इज सिंपली व्हाट अरेंजमेंट। अब जैसे मान लो कि एक 3/2 का मैट्रिक्स, एक 2/3 का मैट्रिक्स, आपको बोले कौन बड़ा? नहीं बता सकते भाई। -1 किस का गया? तो 3/2 का आया और दूसरा क्या है? अब जाके खुश हुआ है बाकी इसको लगा कि अब ठीक चल रहा है, तो उसे घबरा गया था, ठीक है कहीं वो नहीं है, इसके दिमाग में आ गया तुम लोग बोलने से कुछ नहीं बेटा रिलैक्स, जाके वो कुछ क्या कहते हैं स्टीम स्टीम ले लेना, ठीक है जल्दी जल्दी इलाज कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराना मत तू, अपन है ठीक है ना, क्या कर रहे तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्या बोल रहा था जो क्लियर हुआ? बड़ा मैट्रिक्स, हाँ बड़ा मैट्रिक्स छोटा मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात यहाँ नहीं करेंगे, अमीर गरीब की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना, सिंपल अलग अलग किसकी बात होगी? इक्वालिटी की, ठीक है। अभी नेक्स्ट लिखेंगे हम हेडिंग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन, ठीक है, तो लिखना एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखो ये सब अगर हम लोग से पूछा है तो हम लोग खुद से ही बता सकते हैं भैया कि एक मैट्रिक्स ए ए आई जे है और दूसरा मैट्रिक्स बी बी आई जे है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि भाई ए प्लस बी, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि सर ए प्लस बी देखो तभी हो पाएगा जब सेम ऑर्डर पे होंगे, ये तो अपने कॉमन सेंस से भी थोड़ा लग रहा है ना। हाँ सर जीरो कॉमन सेंस पे चल रहा है, चले भाई घुटने को दबा के सोच के बताओ, दिमाग तो है नहीं तो घुटने ही दबाना पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ भाई? क्या लग रहा है क्या कि ऑर्डर तो तभी सॉरी एडिशन तो तभी डिफाइन हो पाएगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम, कि 2/2 को 3/3 से कैसे ऐड करेंगे? देयर इज नो आईडिया राइट। अब ये मतलब सर 2/2 को रात में पानी में डाल देंगे खुल जाएगा, 3/3 के जितना हो जाएगा जोड़ देंगे सर, बाद में आई टी के बाद, ठीक है। क्या कि ए प्लस बी कब डिफाइन होगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। और मान लो कि ए प्लस बी को अगर मैं कोई मैट्रिक्स सी बोलता हूँ, ए प्लस बी को कोई मैट्रिक्स क्या बोलता हूँ? सी बोलता हूँ, तो जो सी का आईएथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट होगा, नहीं सी का जो आईएथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ आईएथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तभी तो डिफाइन होगा ना सी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा क्या? तो लिख लिया टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी एंड बी आई जे, कंफर्मेबल
टू मैट्रिसेस ए एआई जे एंड बी बी आई जे आर कंफर्मेबल, बहुत पहले सिखाया गया होगा सेकंड थर्ड क्लास में, हालांकि हाँ ये लिख दिया मैंने, मुझे पता है, सब कॉन्वेंट स्कूल वाले हो, पता है, चेक कर लेना यार, मुझे मतलब पता नहीं ना, सब कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं हम लोग, मुझे भी ज्यादा आईडी, चेक कर लेते हैं, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, बट मुझे ज्यादा क्या था डिजाइन ऐसे ही रहता है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, they are of same type and if a plus b equal to c then cij will be aij plus bij, wo likhna, if a plus b equal to c then cij equal to aij plus bij for all I and j, for all I and j, theek hai. Ab jaise addition ki kuch properties hoti hai, jaise ek hota hai commutative, सुना होगा जैसे नंबर्स के बारे में सुना होगा कि 2 plus 3 is 3 plus 2, this is called as a commutative property, ऐसा सुना होगा ना, सुना हुआ है, सुना सुना है, यस सर, सुना सुना है, सुना है सर, सुना सुना है या सुना सुना है, सुना सुना है, ठीक है ना, तो जैसे अगर कोई बोले कि a plus b is b plus a, एडिशन बहुत कूल है, इसमें ही सब कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप जाओगे मल्टीप्लीकेशन में और आपने ऐसा कुछ कर दिया कि a into b is b into a, वो नहीं आप आप खत्म, समझ में आ रही बात, तो हम लेकिन उधर नहीं, उधर बहुत खत्म है, ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है, सेफ है बिल्कुल, ठीक है, तो लिखना मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टीज में लिख लेना चाहो तो, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, दूसरा एक होता था एसोसिएटिव, याद हो थोड़ा सा, यस सर, हां नहीं, जब 2 plus 3 को ब्रैकेट में लिख देते थे, प्लस 5 कर देते थे, फिर कहते थे 2 plus 3 plus 5 इन ब्रैकेट, तो बोलते थे ना बराबर होता है, ऐसा बता देते ना, यस सर, तो वैसे ही यहां भी है, अगर मान लो a plus b plus c, a plus b plus c, तो दिस विल बी इक्वल टू a plus b plus c, अच्छा इन सब में प्रूफ प्रूफ की जरूरत तो नहीं लग रही है ना, महसूस हो रही हो, अरे बता देना यार, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रूविंग हिम, पूरा लेक्चर खा सकता हूँ, हाँ बोलो, सुला दूंगा मैं सबको, प्रूफ बता बता के, नहीं ना, इसमें दिख रहा है ना कि सो एलिमेंट होगा आई एस जे, दैट इज ए आई जे प्लस बी आई जे एक्चुअली, और इधर से बहुत डिफरेंट आएगा, बी आई जे प्लस चेंज हो गया ना, अच्छा वहां पर तो कॉम्पिटेटिव लगता है, हाँ ठीक है सही है, तो लिख लेना मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ये सब लॉ है, हल्के मत लेना, लॉ समझ लो बहुत भारी चीज होती है, दो चार तो मैंने सोच रहे आई एम बॉर्न फॉर ब्रेकिंग द लॉ, लिख लेना आईटी से बाहर नहीं निकल जाओ, मैट्रिक्स हेलो मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, लॉ के नाम से घबरा गया, लिखना छोड़ दिया उसने, कौन पढ़े था, फॉलोज एसोसिएटिव लॉ दैट इज, दैट इज नहीं लिखना होता है, डॉट कौन लिखेगा बे, दैट इज कहाँ पर रहे तू आजकल, दैट इज ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी प्रोवाइडेड प्रोवाइड ए बी सी प्रोवाइडेड ए बी सी आर ऑफ सेम टाइप,
प्रोवाइडेड ए बी से आया सेम टाइम। एक होता था एडिटिव इनवर्स, बहुत पहले बेचारे लोग सबको अटैक है, बहुत पहले सुना होगा ना एडिटिव इनवर्स। भाड़ जाए मुझे क्या ले आया सर, खत्म हो गया नंबर आ गया, कौन सोचता है इतना। जैसे अगर टू और माइनस टू का जो सम है, क्या बात है इधर को छोड़ के सब ने बताया, ये वाले बिल्कुल खत्म हो गए। क्या हो गया भाई, ठीक हो, सही चल रहा है, हाँ पार्टी वार्टी कर रहे हो क्या, मुझे लगा अलग अलग ही चल रहा है इधर। हाँ टू और माइनस टू का जो समय क्या है, जीरो। टू और माइनस टू को अपन क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और जीरो को शायद कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा कुछ बोलते थे, हाँ बोल दो ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बोला जाता है, हालांकि इन सब पे इतना यूज वूज नहीं आता है, बट सिंस अब एनसीईआरटी जिस दिन खोल के देखोगे बोलेगा यार ये सब तो छोड़ ही दिया सर ने, पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ाया सर ने, हम बोलोगे एनसीईआरटी फिर उसका एग्जाम देना है, पता है ना, भूल गए कोरोना आ गया हमारा भी हर बड़े भैया का हो गया हमारा भी माफ नहीं तुम्हारा हो सकता एग्जाम ले ले बेटा, ध्यान रखना अभी नवंबर में क्या दो चार सोच रहे हो मास्क में अपने किसी और को भेज देंगे, सर पता थोड़ी चलेगा उसको, पता कर लेते हैं, ध्यान रखना बोले ऑब्जेक्टिव तुक्का मार के आ जाऊंगा। कौन ये वाला, अच्छा चार बजे वाला अक्षय कुमार, हाँ भाई बताओ ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ वही तुक्का मार के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है स्कूल में है क्या, मुझसे मिल लेना मैं बात कर लूंगा, ठीक है जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख रहा है शायद पागल है क्या, कैसे सपने देखने लग गया भाई, टीचर हूँ देख रहे दो चार तो सही सोचने लग गए होंगे यार, अभी हुआ था कुछ हेल्प करवा पढ़ ले पढ़ ले। हाँ क्या कर रहे थे मैं, हाँ एडिटिव इनवर्स पढ़िए ना, एडिटिव इनवर्स डाल दो तीसरा पॉइंट, उसमें लिखना इफ ए प्लस बी इक्वल टू, वैसे गोला वाला वो नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, या जीरो मैट्रिक्स बोलना पूरा बोलना, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मत बोलना, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर सेट टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए प्लस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर सेट टू बी क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड जीरो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एंड जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें एक चीज और लिख लेना, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, वो बहुत बहुत अंडरस्टूड सा है, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, ए और बी कैसे मैट्रिक्स है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर में ट्रेस डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, तो अगर हाँ मतलब वो वाले होशियार मत जाने के साथ रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी तो काउंट होता है, मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर में प्योर रेक्टेंगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लिख रहा है, ए और बी कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दिस कैन बी एनी टाइम रिटन एज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। जो ए प्लस बी मैट्रिक्स होगा वो सोचो क्या आया होगा, एक प्लस ए वन वन, एक प्लस बी वन वन, इसका सम ए टू टू प्लस बी टू टू, ए एन एन प्लस बी एन एन, तो वो इसी के बराबर होगा ना, इफ ए एंड बी आर
A and B are two square matrices. Square is same as square. A and B are two square matrices. Then trace of A plus B equals trace A plus trace B. तो ये तो मेरे ख्याल से लॉ ऑफ एडिशन हो गया, सिंगल प्रॉपर्टी थी, वो सब अपने परिवार करके देखने होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो गुणा में क्या है, दो चीजें गुणा में बोलने में चल जाए, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें, एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा मैट्रिक्स का आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वो आपका माइक तो सर अभी भी नहीं आ रही, सर अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है, ठीक आ रही है। Yes, sir. इतने सारे तो तार बांध दिए, मुझे लग रहा है फांसी की सजा दे दी है। नहीं, वो मास्क और चढ़ा दिया है, ऐसे होता है क्या? ये कहाँ गया? अब क्लियर वॉइस आ रही है। अच्छा, इसी सुन रहे थे क्या तब से? मुझे लग रहा था आकाशवाणी हो रही है तब से, तो फांसी गया लग रहा है। हाँ देखो, ग्रेविटी चेक कर रहे हैं, ग्रेविटी चेक कर रहे हैं। अब ठीक है क्या? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा उसका आंसर क्या है? अब ठीक है क्या? क्लियर वॉइस आ रही है। यस सर। क्लियर? अच्छा, कुछ रिपीट करना है क्या? नो सर। पक्का ना? तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तुम लोगों को आ रही है ना आवाज, या तुम लोगों को नहीं आ रही? कृष्णम क्या? चले देखो ध्यान से, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, बदमाशी करते रहते हो। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने कि अगर दो मैट्रिक्स की बात करें, सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो एक मल्टीप्लिकेशन सोच सकते हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है, और दूसरा सोच सकते हैं मैट्रिक्स का एक नंबर है। नंबर को हम स्केलर भी कहते हैं, ठीक है ना? नंबर को क्या कह सकते हैं? स्केलर, ठीक है ना? तो हमने ने क्या कि एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं मैट्रिक्स को। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे दूसरा एक डिफरेंस आएगा डिटर्मिनेंट से। पहले डिफरेंस वही है कि डिटर्मिनेंट तो वैल्यू होता है नहीं, और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट में अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था? किसी रो में चला जाता था या किसी कॉलम में चला जाता था, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखना मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर या नंबर, जो भी लिखना चाहो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई अ स्केलर और नंबर। ठीक है, तो अपन एक 3x3 के मैट्रिक्स से देख लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है लाइक दिस, ए बी सी डी एफ एंड जी एच आई, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए लाइक दिस, राइट? तो ले लेके अगर हम इसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें तो जो के मैट्रिक्स है वो क्या होगा? हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो सब में पोटेशियम जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी के जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी के, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ,
केजी केएच के, ठीक है देख लो बस। तो सिंपल है मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसमें एक चीज अगर कोई पूछ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और हमें बतलाना है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के, के इनटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज गोइंग टू बी के इनटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अगला वाला बतला रहे हैं ये थोड़ा सा खतरनाक सा है और इसमें गलती होने के चांसेस उतने ही है जितने डिटॉल से कीटाणुओं के सफाई के चांस। कितना? हाँ बस उतना ही है, समझ गया, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के, मतलब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में या सब घुटने में जो भी है, ठीक है तुम्हारे पास, मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द टू, ठीक है ना। मतलब जब हम आज तो नहीं, आज कोई गलती नहीं करोगे, समझ रहे, मतलब वो लिखा रहता है ना एक लाइन जब भी कोई स्टंट होता है टीवी पे कि दीज थिंग्स अभी परफॉर्म अंडर प्रोफेशनल और ये वो बुला बुला, पता नहीं जिसकी जितनी अच्छी अंग्रेजी उतना बढ़िया लिखता है, नहीं हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो आज गलती नहीं होगी, लेकिन जनरली क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ के आता है, अपन क्या लिखते हैं खट के इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब आधे सोच रहे होंगे सर हम तो अभी भी लिख रहे थे, नहीं नहीं के क्यूब नहीं, क्या बोल रहे मुझे तुम्हारा हाथ मेरी तक कुछ इशारा कर रहा क्या, रुक जाऊं क्या, मतलब ठीक है ना सब परफेक्ट गुड। हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, हाँ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। थ्री तक तो तुम लोग सही हो, समझ रहे हो, अगर ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है तब तो आपको भी दिख ही रहा है कि भैया यहाँ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो सबसे के बाहर आएगा, के क्यूब बन जाएगा और जो बचा हुआ है वो डिटर्मिनेंट ए है, तो के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन भाई एन बाई एन का मैट्रिक्स अगर ए है तो के कितनी बार बाहर आएगा, एन बार, और के की पावर क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्डर के हिसाब से लिखना, और नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस कितने भाई, उतने ही जितने सब मान के ही यूज करते टोल, अच्छा इतने तो मर ही रहे हूं, उतने कीटाणु होने भी तो चाहिए भाई, हमारे एक है तो एक का कितना मरा, मतलब एक पूरा कीटाणु भी नहीं मर पाया तो फिर हम लोग क्यों यूज करते हैं डिटॉल लाइफ बॉय। देख लो इसको ध्यान से और आगे चल के इसमें गलती करना है ये दिमाग में, ये समझ में नहीं आया ना, नहीं आया ना बत्ती गुले भाई की, बता बेटा क्या क्या दिक्कत आ रही है, यही तो समझा रहा था। पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल देख रहा है अच्छा इस केस में क्या होगा तेरे हिसाब से डिटरमिनेंट के, इसमें के रेज़ टू पावर कैसे होगा, के नौ बार है तो के की पावर नौ इंटू ए, अच्छा ऐसे आ रहे हो, मुझे पता नहीं चला तुम ऐसे आ रहे थे। चलो जैसे इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं अपन, इस वाले का डिटर्मिनेंट लिखा अपन ने, तब इससे कितने के बाहर आएंगे इस रो से, थ्री, बस बेटा ये यही तो मतलब आईडी निकलना है, इधर से कितने के आ रहे हैं, नाइन तीन एक, और इधर से
कितने हैं? नौ, कितने हैं? तीन। यही एन बाई एन का मैट्रिक्स होता तो ये वाला आ गया, मतलब कितने आते, मतलब आ गया, मतलब हाँ एन के बाहर आते हैं, लेकिन लिखते हैं के की पावर एन, के की पावर एन नहीं सर, की ए की पावर एम की पावर एन होता है ना सर, तो एम एन लिख देते हैं, तो हम एन के लिख दें, ना 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 ना, के की पावर एन, ठीक है ना, गुड, चैलेंजिंग था थोड़ा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स। टाइम हो गया क्या? अच्छा लिख लो, थोड़ा बहुत तो भूल ही देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या इसके लिखा है बाय मैट्रिक्स, ठीक है, अच्छा ये भी अच्छा है। तो जैसे दो मैट्रिक्स है दोस्त, ठीक है ना, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, इसका हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो अब मान लो वो प्रोडक्ट को जैसे हम कहते हैं ए बी, ठीक है ना, ए इंटू बी, वैसे तो देखो हम बी इंटू ए करें तो बी आ जाएगा, तो अभी मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, एंड इन दिस केस ए बी एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है, चलिए हम देखेंगे वो चीज, ठीक है ना। तो टाइम ना फिट है, इसी टाइम में कॉल, अरे अरे ऑटो वाले का यार, अच्छा डैडी का है, पिताजी का फोन आ गया सीधा, अच्छा मेडिसिन खाने का, ले ले मेडिसिन, ले आराम से मेडिसिन ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। तो हम लोग जैसे ए इंटू बी लिख रहे हैं ए बी, राइट, तो ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्री मल्टीप्लायर, पहले प्री मल्टीप्लायर या फिर प्री फैक्टर, प्री मल्टीप्लायर या फिर क्या कहते हैं, प्री फैक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर या फिर पोस्ट फैक्टर, तो ये जो a इंटू बी है ये डिफाइंड कब होता है, जब a का नंबर ऑफ कॉलम, जब a का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, क्या नंबर ऑफ रोज ऑफ b, समझ गया कि द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, the product AB is defined if number of columns in A, if number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B, ठीक है, और इसका मैं एक डेफिनेशन बस लिख के जा रहा हूं, आप दो मैट्रिक्स लेकर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास में मैं समझाऊंगा बहुत कायदे से समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा नहीं, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, ए बी का आईएथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट ए बी है उसका आईएथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, जैसे सम में हम लोगों को पता था कि ए प्लस बी का अगर आई जो रो जेथ कॉलम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ आईएथ रो जेथ ऑफ ए प्लस आई रो जे तो बी, यही सिंपल डेफिनेशन था, ठीक है ना, बट यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, सिग्मा, इसकी बात कर रहे हैं सिग्मा, और इसका एक एलिमेंट पकड़ेंगे, इसका एक एलिमेंट पकड़ेंगे ए, और सफिक्स ए वाला उठाएंगे आई, जे पे नहीं जाएंगे, हम लोग बीच में एक आर यूज करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे क्या ए आई आर, आई आर मतलब इंफ्रारेड नहीं, आई एथ रो आर एथ कॉलम,
समझ में आ रहा है? चले ले कि ए का क्या लेंगे, यहां से स्टार्ट होगा, देखना ध्यान से, आई आर, और इसी तरीके से बगल में क्या होगा बी, और जहां पे इसको छोड़ा था ना वहीं से कितना आएगा आर, और अगले बार जी, ठीक है। और आर की वैल्यू तो मान लो कि ए है एम इंटू एन का मैट्रिक्स और बी है मान लो एन इंटू पी का मैट्रिक्स, राइट। तो आर की वैल्यू वन से एन, ये समझ में ना कि ये m into n, n into p टाइप का ही क्यों है, क्योंकि डिफाइंड ही तभी होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे r इक्वल टू वन से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। आपको बोले सर ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप करके देखना, ए बी मैट्रिक्स जो होगा दैट इज ऑफ ऑर्डर m into p, क्या होगा m into p। तो अभी क्या टास्क है अपने पास घर पे, छोटा सा क्या टास्क है कि हम एक कोई मैट्रिक्स ए लें ऐसा जिसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सम मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसे एक ले लो 2/3, एक 3/5, जो भी आपको लेना, योर चॉइस, समझ में आएगा। तो आप उसके हिसाब से लेना और फिर इस डेफिनेशन से देखना मल्टीप्लीकेशन करके, किस डेफिनेशन से हर एक एलिमेंट क्या आ रहा है, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है। तो जब आप इस मल्टीप्लीकेशन से उसको फॉलो करके ऑर्डर निकालोगे, यू विल रियलाइज, अगर करोगे तो ठीक है ना, यू विल रियलाइज कि वही ये वही मल्टीप्लीकेशन है जो हमने डिटर्मिनेंट में देखा था रो बाई कॉलम, याद आ रहा है थोड़ा फिर से मेडिसिन फिर से नहीं, अरे एक बार हो गया। तो रो बाई क्या आएगा, कॉलम, याद है डिटर्मिनेंट वाले सब, हाँ तो वहाँ रो वाई कॉलम होता है। तो आप देखोगे कि ये रो वाई कॉलम डिटर्मिनेंट ही, सॉरी रो वाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन ही होगा, समझ में आएगा। तो बस इतना काम है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर एनसीईआरटी ली हुई है, नहीं ली हुई है, ली है ना, तो उसमें मैट्रिक्स से कुछ एलिमेंट्री थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके देखना, उसमें थोड़ा और प्रैक्टिकली कुछ कुछ बतलाने की कोशिश करेंगे कि परमल का भाव ये है, बासमती का भाव ये है, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ के देखना, शायद अच्छा लगे तो थोड़ा और पढ़ लेना, थोड़ा और अच्छा लगे थोड़ा और पढ़ लेना, अब लगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्लास में जाना, ठीक है। उससे भी हम लोग जो भी होगा छोटा मोटा डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली क्लास में वो तो लेकर आएंगे एनसीईआरटी, और शीट अपने पास मैट्रिक्स की होगी, आ गई होगी, तुम लोगों के पास भी है ना ऑनलाइन में? नो सर। तुम लोग के लिए फिर वो भिजवाना पड़ेगा क्या? अपलोड ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो मैट्रिक्स की शीट भी ले आना और वो भी ले आना, क्या नाम है? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अगले साल मतलब सॉरी अगली क्लास में नहीं अगली क्लास में नहीं मिल पाएंगे, तो अगला 7 तारीख है ना, तो परसों नहीं मिल पाएंगे यार, सॉरी आप लोगों को भी, अपन मिलेंगे 9th को, 5, 7, 9, थोड़ा अर्जेंट सा कुछ है, अरे हाँ अर्जेंट है इसलिए, नहीं तो मेरे को घर से निकाल देंगे लोग, वैसे क्या देख रहा है, गजब आदमी है। मेरी भी एक छोटी सी बेटी एटी की, अभी 21 हो गई हुई, पता नहीं उसका बर्थडे है अगली बार, इसलिए सेलिब्रेट परमानेंट ऊपर चला जाओ इससे। तो अगली बार तो नहीं मिलेंगे थोड़ा सा, लेकिन एनसीईआरटी करके जरूर देख लेना, तो जितने भी एक्सरसाइज है ना स्टार्टिंग के, खुद से थोड़ा मेहनत करके देख लेना, बाकी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, आराम से जाके करो।